नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम रियलिटी चेक में। सार्वजनिक सरोकारक निकाय आ स्थानक रियलिटी की छे, ओतुका रियल अवस्था आ व्यवस्था केहन छे, नीक छे कि बेजाय, इहे रियल अवस्था प्रस्तुत कर सरोकार वाला के खबरदारी करबाक हमर सबक लक्ष्य आ गंतव्य कार्यक्रम रियलिटी चेक में। जनकपुर धाम में बहुत रास सड़क सब विस्तार का चाकर बनाल गेल छे, मुदा जनकपुरक एकटा सड़क जे कतौ ने कतौ सबके मन में खटक रहल छे कि ई सड़क किया ओतेक चाकर नहीं कयल गेल छे। जी, ई सड़क छे अस्पताल रोड अर्थात रामानंद चौक जानकी मंदिर सड़क खंड। सबसे बेसी ट्रैफिक आ भीड़ भाड़ रह वाला ई अस्पताल रोड किया ने और सड़क जका चाकर कयल गेल छे। त आयक कार्यक्रम में अस्पताल रोडक रियलिटी देखाव जा रहल छी। अस्पताल रोड में जी, जानकी मंदिर से रामानंद चौक जाए वाला अस्पताल रोड के वास्तविक अवस्था कथी छे? ई रोड कते चौड़ा छे? वास्तव में ई रोड में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम कैला होय छे? ऐ सब विषय पर हम सब आई बातचीत करबे, देखबे जे एकर की छे रियलिटी। ई जो छै से जनकपुर के सबसे ज्यादा बिजी रह वाला रास्ता ई है छे। अही रोड में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ सबसे ज्यादा भीड़ जे देखै छी से अही रोड में होय छे। आ ई रोड के चौड़ाई के यदि बात करी हम अहाँ, तो ई रोड जे छै से 42 फीट मा ए रोड के चौड़ाई जनकपुर के दोसर सड़क से ज्यादा होबे चाहिए, लेकिन ए रोड के चौड़ाई सिर्फ 42 फीट है। आ गाड़ी सवारी साधन आ आगा में हॉस्पिटल भेला के कारण से हो इहे रास्ता से रमनन चौक से जानकी मंदिर जाए वाला रास्ता होबे के कारण से हो ए रोड में सब दिन सबसे ज्यादा आदमी के चाप, सवारी साधन के चाप सबसे ज्यादा रहे छे। कते आदमी हॉस्पिटल जाए वाला, तो कते आदमी जानकी मंदिर जाए वाला, कते आदमी क्लिनिक सब में रुकल ऐसे हो, तो बार बार पटक पटक गाड़ी सब रुकित रहे छे। ई जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से वही 42 फीट रोड अंतर्गत आदमी सड़क पर गाड़ी पार्किंग सेहो कर रहल छे। तै से सेहो किछ रास्ता जे छै से तो गाड़ी पार्किंग में चल जाय छै, बाद बाकी सवारी साधन आयल एगो से दू गो गाड़ी अबै छै तो रास्ता जाम भ जाय छै। चल अस्पताल है, हॉस्पिटल है, ऐ जगह रोड चौड़ा होना चाहिए जे पब्लिक के तकलीफ न हो कोनो संभावना। जानकी मंदिर है, ये रोड बहुत भीड़ भड़का रहे है। ये मतलब 10 गांव के की हजार गांव के ये अभी आदमी परसेंट बीमारी लेके अब है। आइए तक रोड जाम रहे, परसेंट सब आवा नहीं हुई है, समय समय पर आवा नहीं हुई, गाड़ी सब भरल रहे, मोटरसाइकिले सब भरल रहे, एक रोड और फैल के लिए तो ठीक रहते। जे गाड़ी घोड़ा लगावे के व्यवस्था है यो सब है, अब दुकान के बहुत प्रॉब्लम है। हम सब टेम्पू वाला छी, अबे छी जाय छी, पैसेंजर उतार खनी अने भीड़ एते लेके जाए कि एते प्रॉब्लम है कि कहू नहीं, कह के सवाले नहीं। रोड कनी एमे और चौड़ा होय के चाहिए, जते छै तेमे नहीं भ सके छै, बोलिए ने, और हमरा सब के बेसी चाहिए, बेसी चौड़ाई जी। एमे जैसे अपने के ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा भ रहल छै, बोलिए ने, तो कनका बेसी चौड़ा होते तो हमरा सब के लागि बढ़िया रहते की। दर्शक मित्र, ई कनी काल जे गाड़ी रुकै छै तऽ सीधे अपने के जाम भ जाइ छै। दोसर समय में यदि बात करी तऽ दोसर समय अखन के समय में कनी कमो छै, भोर के समय में 9-10 बजे के टाइम में और ज्यादा प्रेशर रहे, सवारी साधन लगा के पार्किंग से हो है पकड़ रहा, एगो से दू गो गाड़ी बड़का गाड़ी चलि अबै छै तऽ जाम भ जाइ छै। ई जैसे पार्किंग के व्यवस्था नहीं भेला के कारण से एगो एत बड़का समस्या भ रहल छै। जगह जगह पर पार्किंग के जेहन सुविधा व्यवस्था होबे चाहिए से व्यवस्था नहीं भेला के कारण आदमी बाध्य भ गेल छै सड़क पर गाड़ी पार्किंग करे के। दर्शक मित्र, ई जे देख रहल छी अपने सब अस्पताल रोड के दृश्य अछि, एत देख सकै छी अपने सब कोन किस्म से पार्क, कोन किस्म से एत जे छै से ट्रैफिक जाम भ रहल, एत ई जे छै से ट्रैफिक जाम, एत गाड़ी सब के अवस्था देख सकै छी। अखन तो साँझ के समय छै, भोर के समय में अहू से ज्यादा एत भीड़ रहै छै। तो ई जे छै से रोड 42 फीट मात्र छै, एक तरफ पार्किंग कऽ दै छै लोग बाइक सब के, रास्ता जे किछु बचि जाइ छै से बहुत कम छै। देखू, एकटा स्वाभाविक बात है कि मतलब एगो अंचल अस्पताल है,
एहिठाम अहाँके अञ्चल भरके मतलब लगभग लगभग एगो प्रदेश भरके आदमी एहिठाम अस्पतालमे अबै छै। आ ओहि हिसाबसँ की है कि रोड बड़ा एबा कंजस्टेड है, आ रोड कंजस्टेड होलाके कारणसँ लोक सब पार्किंगके व्यवस्था मतलब न है, आ पार्किंग व्यवस्था न होलासँ मतलब ई कथी एहिमे कुछ नगरपालिकाके भी कमी है, नगरपालिकाके पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था करऽके चाही। आ पार्किंगके व्यवस्था न होलासँ भी मतलब कि एबा एक्सीडेंटके संख्या ज्यादा होइ छै, आ प्लस मतलब रोडके विकास नहि है, ओहि कारणसँ अहाँके मतलब कि ई समस्या है। सबसे पहले रोड में जो है ना चौला होबक चाहिए, नंबर एक। नंबर दू में जैसे मतलब ई रोड जो है ना आके जे विवाह पंचमी तक जैसे कंप्लीट होबक चलिए, अभी तक ई कंप्लीट नहीं थी, है ना। सबसे ज्यादा चाप जो है मतलब ई रोड में छे, है ना। अब एक दोषी जो है ना आके जैसे मतलब महानगर पालिका उप महानगर पालिका के जिम्मेवारी थी, है ना। आ ई प्रदेशो सरकार जे है से मतलब ओते चासो नहीं ले रहल छै। अस्पताल रोड में ओहनो आके पेशेंट के ज्यादा चाप रहै छै, डॉक्टर सब ज्यादा बैठे छै। 2500 के हारा हारी में ये डॉक्टर है, जे कि प्राय डॉक्टर आहे के ओही क्षेत्र में आहे के क्लिनिक खोलने है, ते द्वारे आहे के ज्यादा भीड़ छै। तो भीड़ अनुपात में आहे के बहुत कम रोड छै, के ई रोड आरो खड़ा किलो होबक चाही। आदरणीय दर्शक बिंदु, ये दृश्य जो देख रहा अपने सब अस्पताल रोड के दृश्य, अतः एहन ट्रैफिक जाम हमेशा होते रहे, अहू से ज्यादा मॉर्निंग आवर में ऑफिशियल आवर में अहू से ज्यादा भीड़ भाई है, एहन भाई है आई दने जाए में आधा घंटा लग जाए। एत के स्थानीय वासी सब है, नागरिक सब है, जिनके कठिनाई भोग रही एक्सीडेंट से लक तकर बाद में अनेकों किस्म के समस्या अब तो रोड के चौड़ाई के बारे में बात करब तो जत हो चाहिए तत् नहीं। मधेसी के कोनो जे है चाहिए अधिकार के बात नहीं, वोट लिए अबेर में मात्रे मधेसी चाहिए, आ काम करवा अबेर में मधेसी नहीं चाहिए। जानकी मंदिर रामानंद चौक से जानकी मंदिर जाते तो ओकरा गारंटी नहीं है कि जानकी मंदिर पहुंच सकते कि नहीं सकते, बीच में कई ठमन जे है से ओकरा ठोकर लग जाते। ऑटो के तेहने चाप है, गाड़ी के तेहने चाप है, आ एकर चौड़ाई जे है से सब रोड से कम है, ते लगे के जाना समय रहे वही समय में कुछ बेसी भीड़ रहे। अभी तो मतलब आधो आधो घंटा जाम में आदमी गाड़ी सब रहे लागल, कोमर उमर से पेशेंट एम्बुलेंसो तक फूटे के समस्या नहीं, ते लगे हॉस्पिटल के भेला से रोड आरो फ्राक किलो भेला में ठीक रहते गए। जथल अभी देख सकते हैं पार्किंग से अभी सब नहीं हो पड़े कि हॉस्पिटल, अगर पार्किंग के दोसर अलग 12 बीघा में या दोसर जगह व्यवस्था करे पड़े हॉस्पिटल की रोड आरो चौड़ा हो पड़े। पूरे जन पूरे अंचल अस्पताल भेल बेसी मास सब ये बेसी जाम लग गए, पार्किंग व्यवस्था हो पड़े, रोड फेल हो पड़े, बहुत रोड फेल हो पड़े। न तो 42 फीट है लेकिन और होबक चाहिए, कहना चाहिए कि अगर कम है तो दोनों तरफ से गाड़ी वाहन खड़ा रहे छे, बीच में जावे जाए वाला भी परेशानी हुई है, ते के लगे रोड अगर ज्यादा चौड़ा रहे तो और बढ़िया बात है। से एम्बुलेंस सब 12 बीघा में लगाएल जाए छे, ई एम्बुलेंस सब निरंतर है अस्पताल के आसपास में अबे जाते रहे छे, तो ई रोड में ट्रैफिक भेला के कारण ई एम्बुलेंस सब के सेहो कते आदमी सब साइड में, तो एम्बुलेंस चालक सबके जहन इमरजेंसी रहै छै एम्बुलेंस के भीतर में तो कते दिक्कत भ रहल छै ट्रैफिक के वजह से। रास्ता पर से गाड़ी निकली से है ना आदमी सबके सायरन भी मारै छै, तैयो आदमी सब हटो के नाम नहीं लै छै, है ना। ओय के वजह से की होइ छै ऊपर से गाड़ी बाइक वाला सब से टेम्पू वाला से टेम्पू वाला सब मेन दिक्कत की कह दै छै कि देखलक से एम्बुलेंस निकल रहल छै, जहन अखन सामने भी देख सकै छियै हमरा, है ना, एम्बुलेंस निकल रहल छै तो टेम्पू आयल अगाड़ी में लगे लगे मतलब और चौड़ा हो के चाहे वे पार्किंग के दिक्कत के वजह से और भीड़ भीड़का हो ते लगे और कनी चौड़ा हो के चाहे। बाटो तब भन्न पर्दा खेल है अलग बाटो सुरक्षित पनि छैन के हैन, ऑटो को एकदम चाप बढ़ी रहता बाटो छोड़ेन, प्राइवेट हो सरकारी गाड़ी हो है कुछ गाड़ी एम्बुलेंस आउँदा पनि बाटो छोड़ेन, ट्राफिक ले पनि यो त केयर गर्नु पर्ने हो नि त हैन। देखबे करछी रोड पर बाइक लागल है टेम्पू लागल है एम्बुलेंस सायरन बजबी तो साइड दी है, उन्हीं से कोनो गाड़ी चला तो पेशेंट रही गाड़ी में 5 मिनट हो तो समस्या भाई, तो रोड किनका और हो के चाहिए किनका पार्किंग के फेल हो चाहिए। अस्पताल में निरंतर रूप से पेशेंट सबके लेकर जाए अबित रहे छथिन, उनका सबके एतक कोन किस्म के कष्ट भ रहल छै, तो आदमी एक तो जनता सबके से हम ई बात कह चाहे छी जे यदि अपने एम्बुलेंस के देखे छी तो अपने अपन गाड़ी के साइड क के पहले एम्बुलेंस के प्राथमिकता देबो चाहे, सड़क के जे चढ़ाई जते होबो चाहे अस्पताल रोड के अंतर चाहे जानकी मंदिर जनकपुर के मुख्य सड़क में एकरा कह सके छी, ओहि रोड में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम भ रहल छै, कैले त एत जे छै से सड़क के चढ़ाई से ओहि में कारण।
रियलिटी चेक में आब समय है ब्रेक के, ब्रेक बाद आओ रियलिटी आ सरकार वाला के जवाब लख आब। ब्रेक बाद कार्यक्रम रियलिटी चेक में स्वागत है। जनकपुर धामक सबसे बेसी जाम आ भीड़ भाड़ रह वाला अस्पताल रोड सकेत है, जबकि जे सड़क में ओतेक ट्रैफिक आ भीड़ नहीं रहे छे उ सड़क सब बेसी चाकर कैल गेल छे। अखन हम सब चल आयल छी जनक चौक से शिव चौक आ भानु चौक जाय वाला रास्ता में। अखन अपने सब ई दृश्य देख रहल छी से ओहि रोड के छै। ई रोड देखियौ जे कते चौड़ा छै, चौड़ाई के मामला में सेहो बहुत ज्यादा छै आ ई रोड में कोनो ट्रैफिक कतौ नहि छै। रोड के जे चौड़ाई ज्यादा भेला के कारण आ रोड के व्यवस्था नीक तरीका से बनाओल गेला के कारण एतौ कोनो ट्रैफिक आ कोनो किस्म के असुविधा नहि भऽ रहल छै लोक। आदरणीय दर्शक मित्र, तो अखन हम सब चल आयल छी जनकपुर के भानु चौक में। जी भानु चौक में अपने सब देख सकै छी जे सड़क के हमरा पाछा अहाँ सब देख सकै छी सड़क के केहन सड़क चौड़ा आ चौड़ा भेला के कारण। दोसर जना अस्पताल रोड के बात करबै तो अस्पताल रोड के तुलना में रोड में भीड़ सेहो कम छै आ सड़क के चौड़ाई सेहो ज्यादा छै। मैं आब जे छै से अखन हम सब देखै लिए जे जनकपुर के वास्तव में दोसर सड़क सब जे छै से ओहने छै कि दोसर व्यवस्था छै, तो ई सड़क सब जे छै से ओहिसँ बेसी चौड़ा छै। शिव चौक भानु चौक रेलवे स्टेशन सहितक सड़क सब में कम चाप रहितो बेसी चाकर कैल गेल छे, मुदा अस्पताल रोड जे जाम से दिन भर अस्त व्यस्त बनल रहे छे ई सड़क ओतेक चाकर नहीं। एना क सड़क विस्तार में एकरूपता किया ने? ई प्रश्नक जवाब में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्रा कह रहा छे सड़क विस्तार काज पहिनका नगर परिषद से तोकल गेल मापदंड अनुसार कैल गेल छे। हम सब त अहि के लागू मात्र कयने छी। नहीं यहाँ के हमरा सब से आब से पहिने पूर्वे यहाँ के ई सब सुनने रही कि 52 फीट रही रोड, लेकिन हमरा सब से आब से पहिने 42.5 इंच के एकर यहाँ के फैसला रहे ओकरे हम सब सदर क देलिए, नगर सभा से हमसब पास कर दिली। हमर सबके योजना कैल नहीं छी, हमरा सबके आबे से पहिने नगर सभा से कैल रहे जे अहाँ के पूरे 17 प्रतिनिधि भी सही ओमे कने छथिन ओ कैल छै। लेकिन हमसब जे अखन जे रोड दिया छै कहली कि ट्रैफिक के बहुत ओहिठाम भीड़ छै, अहाँ के हॉस्पिटल छै रामानंद चौक के चाप ज्यादा छै, ओहिके लेल हमसब लगभग प्रयास कऽ रहल छी कि ओ रोड हमसब के वन वे करी कि ओम्हर से आबऽ वाला जानकी हेल्थ वाला जाय वाला एना कऽ कऽ हमसब एकटा बनाई। ओहि सोच में बनेने छी कि चाप कम पड़े, चाप तऽ हेबे करती, जहने मुन ढोका छी तक चाप हेतै, लेकिन ओकर केना राखल जाय। जेना हमरा सबके एकटा नया कार्यक्रम होबे जा रहल अछि, जेना अहाँके हॉस्पिटल के रोड छै ओहिमे कते मीटर के भीतर में अहाँके औसत देले दुकान खोल सकै छी नहि खोल सकै छी, एकर सबके भी हमसब एकटा नीति पास करै छी स्थानीय सरकार के तरफ से, ओकरा बाद से हमसब ट्रैफिक के भी व्यवस्थापन करबै। ट्रैफिक के कतौ हमरा सबके मोटरसाइकिल लगाबे के गाड़ी कहाँ लगाबे के केला के बाद अहाँके 42.5 इंच के रोड हमसब बहुत जल्दी तैयारी करे जा रहल छी आ लगभग हमरा होइए कि तहन जाके चाप भी कम भ जाय। हमसब कोनो नया रोड जे छी अखन जे नया रोड जे थपलिए ओ हमसब सब पहिलके के जे छलिए ओकरे हमसब बढ़ाबऽ के कोशिश केलिए, घटाबऽ के एकटा कानून आयल छै हमसब कि एक बेर जे रोड अहाँ घटा देब ओकरा हम बढ़ा नहि सकै छी, नगर सभा से जे पास भऽ जायत ओ रोड के अहाँ घटा नहि सकै छी। नहि फराकिलो तऽ नहि भऽ सकै, लेकिन एम्बुलेंस के लेल केना हुनका सबके व्यवस्थापन कैल से कहि गेला। काठमांडू मे तऽ हम तऽ गेल छलहुँ हँ, देखलिए कि हमरा अपने बीमारी भऽ गेल एम्बुलेंस मे लदाय लै, हमरा एक आधा घंटा मे प्राण चुरि जाइ, दू दू घंटा ट्रैफिक जाम भऽ रहल छै। तऽ बड़का राजधानी एहन एहन शहर मे तऽ भऽ रहल छै, तऽ दिक्कत तऽ छै, ओकर व्यवस्थापन केना कैल जाय ओहि पक्ष मे जाय पड़लै। लेकिन अखन हमसब निर्धारित जे हमसब 42.5 फीट 8 इंच के नीचे अखन वहाँ अपने आदमी सब छै हुनका सबके इहो कहब छै जे मेयर साहब के घर पड़ि रहल छै रोड मे, ताहि लऽ कऽ सेहो रोड के नहि मतलब आगा जे छै से ज्यादा बढ़ाबऽ के बात भेलै, तेहन बात सब लोग सेहो डायरेक्टे कहि रहल छथिन जे मेयर साहब
जी गलत बात छे केला ओहन रहती तो हम अपनो घर बचा लेती ना हम कि अपन 45 कके तोड़ लेली नहीं ई गलत बात छे ई सब गलत छे ई कार्यपालिका पास करे छे यहां के बोर्ड पास करे छे नगर सभा से पास होय छे ओई में एकटा मेयर के उपमेयर के आ एकटा वार्ड अध्यक्ष के बात ही हम नहीं रही छे। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका पहिनका नगर परिषद के निर्णय मात्र कानून के नै कहि रहल छे मुदा ओही समय एक मेयर अर्थात बजरंग प्रसाद सा कहि रहल छथि किछ स्थान में पहिनका मापदंड परिमार्जन क सड़क विस्तार किया गेल छै ओ इहो कहि रहल छथि और स्थान में पहिनका निर्णय के परिमार्जन किया गेल मुदा अस्पताल रोड में मापदंड किया परिमार्जन नहीं किया गेल। अब ई जे छै जे नगर पालिका ओहि समय में रही हमरा सबके समय में नगर पालिका अखन तो महानगर पालिका भ गेल छै त किछ रोड सबके परिवर्तन कलकी है मापदंड जे छै से हमरा बुझाइ छी कि जे से अखन जे मेयर जी आयल थे वही से पहले के जे बोर्ड बने छलिए कर्मचारी सब एकटा विभिन्न पार्टी सबके राय के बोर्ड बनेले छलिए ओहिमे किछ रोड सब में परिवर्तन कलकी है। अब रह गेली बात अपने जे उठैले छी कि जे अस्पताल रोड चौड़ा होबक चाही ट्रैफिक जाम भ जाइ छी हेवी तो अस्पताल रोड में वास्तविक में पीच जोन होइ छै एगो बोर्ड पहले लागल छलिए तो ध्वनि ओहिठाम नै आबक चाही गाड़ी सब ओहिठक जाय तो गाड़ी के अपन जे से जे हॉर्न नहीं बजावे जीप नहीं बजावे मोटरसाइकिल नहीं बजावे क्योंकि अस्पताल छै बहुत बीमार व्यक्ति सब ओहिठाम अस्पताल में जे से हॉस्पिटलाइज रहे छै तो पीच जोन कहके एकटा बोर्ड लागल छलिए और ट्रैफिको जे छै एकटा हिसाब किताब से ओहि दके जाय चाही बहुत सब अनुशासन में जाय पड़ै छै अखन जे छै ट्रैफिक हेवी भ गेलै गाड़ी सब ओहिठाम ब्लॉक भ जाइ छै पूरी तरह से जाम भ गेल ठेला वाला अलगे रहै छै मोटरसाइकिल वाला अलगे रहल जीप अलगे रहल गाड़ी सब रहल और सब आवाज करैत जे छै ओहिठाम जाइ छै तऽ अहू सब पर ध्यान जे छै उपमहानगर पालिका के होबक चाही सड़क चौड़ा एकदम होबक चाही जेना मापदंड जे छै किछ जगह में जे नगर पालिका जे महसूस कलकै कि चौड़ा होबक चाही तऽ किछ जगह में परिवर्तन कलकै तो अस्पताल रोड के सेहो परिवर्तन होबक चाही अइ बात के ध्यान में राख के अखन तक किछ बरस में जे अस्पताल रोड में जे हेवी ट्रैफिक आ एते जे छै पेशेंट ओहिठाम अबै छै अखन जनकपुर अंचल अस्पताल के जे छै से प्रदेश नंबर 2 से अधिकतर जे छै से जिला से जे अबै छै तऽ बहुत जाम रहै छै चौड़ा होबक चाही बिल्कुल चौड़ा होबक चाही ओ सड़क जे किसिम से कि सड़क के मापदंड परिवर्तन भेलै तो एकरो जे छै से और चौड़ा होबक चाही जे पहले के मापदंड छै ओहि मापदंड में जेना परिवर्तन भेलै आन ठाम परिवर्तन भेलै तो एकरा अइ पर बेसी ध्यान जाय के चाही उप महानगर पालिका के जो चौड़ा हेतै तो 50 साल के एकटा जे छै दृष्टिकोण राय के चौड़ा करक चाही। बेस ता आयक लेल कार्यक्रम रियलिटी चेक अतवे कार्यक्रम रियलिटी चेकक विषय में कोनो प्रतिक्रिया छै त realitycheck.appantv@gmail में ईमेल कर सके छी वा फोन नंबर 0415306601 में फोन सेहो कर सके छी। रियलिटी चेक में अपन टेलीविजनक रियल नजर रहबे करत त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।